अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी। और शॉपिंग के बाद अब आज बड़ा रफड़ बना हुआ है मेरी पैकिंग का। आधी चीज़ें जो है ना वो नीचे पड़ी हैं और आधी ऊपर हैं। और बैग मेरे पास दो बच गए, यानी सूटकेस दो मेरे पास बच गए। लेकिन यह है कि इतना ज़्यादा मेरा मसला बना हुआ है कि पैकिंग जो है वो हो नहीं रही है। और आजकल जो ट्रैवलिंग के लिए है अलाउ किए जाते हैं आपको, तो पता ही है कि बस उनमें चीज़ें तीन चार ही आती हैं और सूटकेस जो है वो भर जाता है। अब कभी चीज़ें इधर से निकालती हूँ, दूसरी जगह रखती हूँ, दूसरी जगह से निकालती हूँ, तीसरी जगह रखती हूँ, तो कोई जो है ना वो चीज़ जो है ना वो सेट नहीं हो पा रही है। और साथ में आज जो है हमारे चाचू के घर में दावत है और मैं बस इसी जो है ना वो 6:05 में पड़ी हुई हूँ कि मुझे चीज़ें जो है ना वो पैक करनी है। और ये देखें, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ और मेरे पास सिर्फ दो सूटकेस बाकी बचे हैं। जो है ना वो सूटकेस रेडी होते हैं वो उठा के फिर मैं नीचे जो है ना वो जाके रख लेती हूँ। और आधे जो है वो मैंने सूटकेसेस नीचे खोले हुए हैं और आधे ऊपर खोले हुए हैं। नीचे से मुराद ये है कि नीचे लिविंग रूम में आधे पड़े हुए हैं और आधे जो हैं वो ऊपर बेडरूम में हैं। अब ये सारा जो है ना मुझे समेटना भी है क्योंकि चाचू के घर जो दावत है वहाँ जाएंगे और ज़ाहिर है जब वापस आएंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो इस वजह से फिर ये है कि ये जो बेड है रात को यहाँ पे सोना भी है, तो ये सारी चीज़ें उठानी भी हैं और पैक भी करनी है। अच्छा जी, किसी भी दावत की जो जान होती है ना वो बच्चे ही होते हैं। जान होते हैं या वो वाले जान होते हैं, बट होते बच्चे ही हैं। तो बच्चे जो है ना ये देखें अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारी फैमिली में जितने बड़े हैं उससे ज़्यादा बच्चे हैं। और बच्चे जो है ना वो एक अपनी अलग दुनिया उन्होंने बसाई हुई होती है और ऐसी जो है ना वो शोर शराबा होता है ना कि इनका शोर शराबा जो है वो हमें अपनी जो है कह लें कि म्यूज़िक से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जी हमारी क्यूट सी बेबी है और ये फ्रिज से जो है ना वो सबको निकाल निकाल के चीज़ें दे रही है कि क्या कुछ खाना है। और इतनी ठंड हो चुकी है और इनको आइस लालियाँ चाहिए, तो अब मम्मा के पीछे पीछे घूम रही है और सारों को जो है ना वो बता रही है कि भाई इनको निकाल के दें। और अम्मियाँ ये है कि इस मौसम में ज़रा अलाव कम ही करते हैं ऐसी चीज़ें, तो बच्चे जो है ना वो अपना काम करके छोड़ते हैं। तो तकरीबन ये है कि सारा कुछ रेडी है, सिर्फ हमारा वेट हो रहा था। हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे और बार बार बुलाया जा रहा था। और मैं आपको बता रही थी कि मैं बस बच्चों को ना ऐसे ही उठा के ले आई क्योंकि मेरे पास जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं है रेडी होने का। इसीलिए आज मैं वीडियो में बिल्कुल नहीं आई क्योंकि मेरा हशर नशर हुआ पड़ा था और बस इसी में लगी हुई थी कि किसी तरीके से जो है ना वो पैकिंग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि टाइम जो है ना वो बिल्कुल एक एक मिनट और एक एक सेकंड हमारे लिए अब जो है ना वो कीमती होता जा रहा है इस वजह से, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है और कोई चीज़ जो है ना वो मैं छोड़ नहीं सकती। अच्छा ये अभी छोड़ देती हूँ तो बाद में कर लेंगे, अभी छोड़ देती हूँ तो बाद में कर लेंगे, ऐसा जो है ना वो मुमकिन नहीं है। ख़वातीन ने अपनी जॉब संभाल रही है, अब होने लगी हैं जी चीज़ें, रेडी होने लगी हैं। तो मेरे साथ आपने मेरी फैमिली की इतनी ज़्यादा दावतें देखी होंगी, तो आपको अब अंदाज़ा तो हो ही चुका होगा कि हम सबसे पहले जो है ना वो जो मर्द हज़रात होते हैं उनके लिए खाना लगाते हैं, तो बस उन्हीं के लिए रेडी हो रहा है। सबसे पहले वो खाएँगे और साथ किचन में यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी माएँ उनको खिला लेंगी, ताकि खाना खाते हुए कोई बच्चा जो है ना वो किसी को डिस्टर्ब ना करे। सारा दिन, बल्कि सारा दिन क्या, दो दिन लग जाते हैं दावत के इंतजाम करते हुए। और ये सारा कुछ जो है ना वो औरतों पे होता है, कभी एक चीज़ बना, कभी दूसरी चीज़ बना, कभी तीसरी चीज़ बनाओ। और बहुत से लोगों के लिए अगर आपने दावत जो है ना वो रेडी करनी हो तो फिर ये है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो औरतों बेचारियों को फिर ये है कि खाना खिला के बर्तन वर्तन साफ़ करके फिर आराम से बैठना पड़ता है ताकि वो तसली से खाना खा सकें। तो अभी ये है कि चीज़ें जो है ना वो रेडी कर रहे हैं। अभी मर्द जो है वो पहले, सबसे पहले वो खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग खाएंगे।
तो यहाँ पे आप ये है कि जैसे जैसे जो है ना वो टाइम नज़दीक आता जा रहा है, इसी तरह से जो है ना हमारी दिल की धड़कनें भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो तेज़ हो रही हैं, और साथ साथ ये है कि दिल जो है ना वो दिल धड़क भी रहा है, लेकिन ये है कि बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी जो है ना वो उदासी के साथ। मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ, क्योंकि जो जो वक्त करीब आता जाता है ना, जब ये आप सोचते हैं कि हमें अपने बहन भाइयों को अपने प्यारों को छोड़ के यहाँ से जाना होगा, तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब तो आपको पता होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हमें पता है कि जब हम अब दोबारा मिलेंगे तो ज़ाहिर एक फैमिली है, तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे ज़िंदगी में खुशी गमी में, इंशाल्लाह हम जो है ना वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन ये है कि हम लोग यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, और मुश्किल ही होता है कि सबका किसी एक इवेंट पे इकट्ठा होना और अब मुलाकात होना। तो ये जब चीज़ें सोच सोच के जो है ना वो सोचते हैं तो फिर दिल बहुत उदास होता है। सब जो है ना वो ये सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन सभी जो है ना वो उदास भी हैं, लेकिन हम लोग जो है ना वो ज़्यादा उदास हैं, क्योंकि हम यहाँ से अपना घर, अपना मोहल्ला, अपनी चीज़ें, अपना सब कुछ जो है ना, और अपने रिश्तेदार तो वो तो है ही हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। इस वजह से फिर हमें ज़्यादा जो है ना ये चीज़ें फील होती हैं। टेबल पे खाना लग गया है, बड़े मज़े की जो है ना वो डिशेस रेडी हुई हैं। आपने देखा होगा अंडे, आलू कोफ्ते जो हैं वो आपने देखे हैं, पता नहीं अब उसमें आलू हैं कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हैं। अंडे आलू कोफ्ते हैं जी, साथ में ये देख लें कि रशियन सैलेड है, और आगे आगे आपको नज़र आता जाएगा, और साथ में बताती जाऊँगी कि आज जो है वो क्या है। तो इसके साथ ये है कि बहुत ही मज़े का आपको पुलाव नज़र आएगा, पुलाव है, और बस मेरा एक ही काम है, मैं कैमरा लेके जो है ना वो सबको जो है ना वो ये कहती रहती हूँ ठहरे मेरा वेट करें, मुझे वीडियो बनानी है। तो देखें जी कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का पुलाव जो है ना वो रेडी हो चुका है। तो बिल्कुल जब खाना लगने वाला होता है उससे पहले थोड़ी देर के लिए जो ये है चीज़ों को ना लगाया जाता है, दम पर लगाया जाता है, और चीज़ों को नहीं बल्कि चावलों को, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, चावलों को दम पे लगाया जाता है। और मुझे नज़र आ रहा है कि कोफ्तों में आलू नहीं है, अंडे और कोफ्ते बनाए गए हैं जी, और खाने बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और जितने भी बहन भाई हमारे जो हमारी दावतें कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी बड़ी फैमिली है, अल्लाह ताला इनके इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको अपने बच्चों की ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और हमेशा खुश खुरम रहे, और इंशाल्लाह जो है वो इसी तरह से हम अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दे कि हम हर मौके पर इसी तरह से इकट्ठे हो सकें। और यहाँ पे जी ये देख लें, आपको नज़र आ रहे होंगे कबाब, सब चीज़ें तकरीबन जो है ना वो गरम गरम है, और सब टेबल पे बैठ चुके हैं, और यहाँ पे ये सब कुछ जो है ना वो रखा जा रहा है, और सब जो है ना वो लेडीज़ अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं, और जल्दी जल्दी जो है वो चीज़ें रखी जा रही हैं ताकि खाना जो है वो सर्व किया जाए। जो भी चाहे चाची, मामी, ताई जो है ना वो फ्री होती है, वो बैठ के जो है ना वो बच्चों को इस टाइम पे खाना खिला लेती है, क्योंकि सारी जो लेडियाँ हैं ना वो तो हैं बिज़ी खाना देने में और सर्व करने में बिज़ी हैं, और जो फ्री बैठा है वो यही चाहता है कि चले जी जो छोटे बच्चे हैं इनको भी खिला ले ताकि ये भी आराम और सुकून में आ जाए। तो हमारी ये छोटी बेबी देख लें जी, खाना खा चुकी है, और ये पता नहीं अब पानी पी रही है या ड्रिंक पी रही है, अब अपना जो है ना ये फूड जो है वो फिनिश कर चुकी है, और साथ जो है लगता है कि खाना भी जो है ना तकरीबन सर्व हो चुका है।
अच्छा जी, अब ये है कि जी हो चुकी हैं लेडियां रेडी खाने के लिए। देखें भाई कितना अच्छा खाना जो है ना लेडियां अपने लिए लगाती हैं, मर्दों को इससे भी ज़्यादा अच्छा खाना देती हैं। और अब वॉइस ओवर करते हुए मुझे फिर से भूख लग रही है, और वैसे आज जो इरादा है वो वैसे भी पुलाव बनाने का है। तो आजकल जो है ना वो हम वैसे घर में खाना कम ही बना रहे हैं, बल्कि बना ही नहीं रहे हैं। हम जो है ना हर रोज़ हमारी दावत बाहर होती है, और हम लोग जो है ना वो घर के सारी चीज़ें जो है ना मैं फ़र्क कर चुकी हूँ, किचन से जितनी चीज़ें थी निकाल चुकी हूँ, फ्रिज खाली कर चुकी हूँ, और सब कुछ जो है ना बिल्कुल जो है ना वो हो चुका है खाली। तो हर रोज़ दावत पे होते हैं। तो ये जी मेरे बैग से ये मेरी जो प्यारी सी बेबी है ना, ये जब भी जाते हैं ना तो वो लिपस्टिक और एक वो मेरी बेटी लेके जाती है, उसमें छोटा सा एक मिरर है और उसमें जो है ना वो लिपस्टिक होती है वो अपने लिए लेके जाती है। और इसको पता होता है कि मेरे बैग में ये चीज़ पड़ी हुई है। अब ये देख लें जी इनकी तैयारियाँ, आप ही को देखती हैं ना कि वो किस तरह से तैयार होती हैं। तो ये देख लें, हर रोज़ जो है ना वो एक लिपस्टिक का ना ये जो है ना खूब वो करती है हिसाब। देखें अभी भी काफ़ी चीख रही है कि नहीं मुझे नहीं वापस नहीं करनी, मैंने जो है ना खुद से मेकअप करना है। शीशे में देखना, शीशे में देखो, अभी मैंने लिया, अभी आओ वाला आओ। अच्छा जी, बच्चियां जो है ना वो यहाँ पे बैठी हुई हैं, और ये जो है ना वो रेडी हो रही है। तो इसके साथ साथ ये है कि अब हम जो है ना वो साथ वापसी की तैयारी भी कर रहे हैं कि उठें, अब बहुत काम पड़ा हुआ है। तो रास्ते में आते हुए ना ये अपनी जो कज़न्स हैं ना, कज़न्स भी हैं और साथ फ्रेंड भी हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो इनको भी लेके आ गई। मैंने कहा इनको तो आप लेके आ रही हैं तो घर में हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, बेड भी नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं जी, जो कुछ अवेलेबल है हम उसी में जो है ना वो बैठ जाएंगे। यहाँ ये बैठी जो है ना वो अपनी टाइमिंग जो है ना वो अपने लैंग्वेज में उसका बता रही थी। तो ज़रा सुने इनकी अपनी लैंग्वेज में बातें करते हुए बच्चियों की। और क्वार्टर टू होगा पौने दस, कोई कैसे ना ग्यारह, अभी क्या टाइम है, 45 किसे कहते हैं, पौने मिनट में 50 नहीं पौने नहीं ग्यारह पौने ग्यारह हाँ, लेकिन अगर कहें कि 45 मिनट रहते हैं, अगर 45 किसे कहते हैं नंबर, 45 पंताली मिनट रहने ग्यारह बजने सतारा मिनट पहले दस हो असा इन्हों ने घर गए से इन्होंने कपड़े फिर अस गए बैठे गड्डी विच बैठ के आसा पटवारी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओ जी मैंने अच्छा बोला ना, हां हां यस यू डोंट अच्छा टू मी सॉरी गिव मी बैक डोंट गिव मी लिपी यू वाचिंग देम इज देयर ब्रो ओह और असर बस ये रोड पर पहुंची गया असा कार गच्छ लगिया अंदर कैसा लाइट अप बजने पे बाथरूम कैसे कहते हो तुम, वॉशरूम बारह बजन तो मारी साल गिरा उसी
मैं 18 साल नहीं हो रहा माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत जल्दी बड़ी हो गई लेकिन फिर मंडे को कैसे कहते हैं मंडे सवारे की आसान